हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। वेल, सुबह 5 बजे का सेशन है ये आपका। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, एसएससी के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उसका आपका ये क्लास है। ये ध्यान रखिएगा कि आज के आपके जो क्लासेस का शेड्यूल है वो शेड्यूल मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया हुआ है। एक क्लास आपका 10 बजे है, एक 2 बजे है, एक 5 बजे है और एक 9 बजे है। ये आज का शेड्यूल है क्योंकि संडे को आपका कोई भी स्पेशल क्लास नहीं रहेगा, तो प्लीज़ इसको ध्यान से क्लास को टाइमली ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि इसमें आपको पूरा जैन टू मार्च का करेंट अफेयर्स भी पढ़ाया जाएगा, जेडी के जो सॉरी अभी एसएससी जेई के जो पेपर आए हैं उनको भी सॉल्व करवाएंगे, मतलब काफ़ी सारा स्टफ आपके लिए होने वाला है। सो बी प्रिपेयर विद दिस। ओके, 7 बजे अभी आपसे मुलाकात करेंगे लाइव सेशन में। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे, और प्लीज़ शेड्यूल एक बार से ध्यान रखिएगा स्पेशल क्लासेस का, 10 बजे, 2 बजे, 5 बजे एंड 9 बजे, दीज आर द क्लासेस। ओके, तो ये जो आपके क्वेश्चंस हैं ये 18 मार्च के शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस हैं। देखते हैं कि सवाल क्या पूछे गए थे। सेशन को एक बार से लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी होस्टेड द 3rd एडिशन ऑफ खेलो इंडिया गेम्स। मतलब ऐसे सवाल जब आते हैं ना तो आप समझ जाओ कि हलवा टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट? ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इसका करेक्ट आंसर है गुवाहाटी। देखिए, खेलो इंडिया गेम्स आपको पता ही है कि सबसे पहला एडिशन इसका कब होता है, 2018 में दिल्ली के अंदर, नेक्स्ट होता है आपका पुणे के अंदर, तीसरा है गुवाहाटी में, और जो चौथा है वो होगा हरियाणा के पंचकुला में। हरियाणा के अंदर जब इसका आयोजन किया जाएगा तो 4 खेलों को इसके अंदर जोड़ा गया है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओगे क्योंकि मैंने आपको अभी कल ही ये पढ़ाया था, ठीक है? और ये जो खेलो इंडिया स्कीम है इसको 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया है। और ये ध्यान रखिएगा कि 2021 में ये जो खेलो इंडिया स्पोर्ट्स होंगे, जो गेम्स होंगे, उसके अंदर योग आसन को भी इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है? अगला सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग वाज कंफर्ड विद द दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019, ये पूछा गया था। 4 ऑप्शन थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बनेगा अमिताभ बच्चन जी। अच्छा, एक चीज यहाँ पे समझिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 का किसको मिला है, तो आपको पता ही है ऋतिक रोशन को। मूवी कौन सी है? सुपर 30 मूवी। अगर सवाल बनेगा इंटरनेशनल दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया है क्रिटिक्स की कैटेगरी में, तो आंसर हो जाएगा सुशांत सिंह राजपूत। और अगर ये आपसे अवार्ड पूछे जाए दादा साहब फाल्के अवार्ड साउथ का किसको दिया गया है बेस्ट एक्टर का अवार्ड, तो धनुष को दिया गया है। धनुष को भी रिसेंटली 67th जो नेशनल अवार्ड्स हुए हैं उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी इनको भी गया, ठीक है, मनोज वाजपेयी जी को, और इनको दिया गया। अगला सवाल, आईसीसी 2019 में सर गैल्फ्रिड सोबर्स ट्रॉफी ये जो थी ये किसने जीती थी, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बनेगा बेन स्टोक को मिली थी। अच्छा, अगर ये अवार्ड पूछा जाए तो अवार्ड तो आप जानते हैं विराट कोहली को, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि विराट कोहली को नहीं, विराट कोहली को तो पहले आई थिंक 2 बार मिल चुकी है और अभी रिसेंटली भी इनको एक ट्रॉफी मिली थी, बट 2019 पूछा जा रहा है। आंसर क्या होगा? बेन स्टोक्स, इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला सवाल, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसमें 1 GB इज इक्वल टू वॉट, कितने मेगा बाइट हो जाता है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? सिंपल है, 1024 MB इज अ राइट आंसर। कंप्यूटर बेस्ड भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगला, जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी संविधान सभा के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके चेयरपर्सन कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? B.R. अंबेडकर जी इसके चेयरपर्सन थे। ये कब बनाई गई थी, तो इसकी जो सबसे पहली बैठक हुई थी वो डेट याद रखिएगा, वो डेट हो जाएगी ये। और पूछा जाए अगर किसने बनाई थी, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा इसको बनाया गया था 1946 में। अगर क्रिप्स मिशन पूछे आपसे तो क्रिप्स मिशन याद रखिएगा 1942 में आता है, ओके? अच्छा, जवाहरलाल नेहरू जी जो लाहौर के अंदर 1929 में जो INC का सत्र होता है उसकी अध्यक्षता ये करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात करोगे तो 1931 में जो अध्यक्षता होती है INC की वो ये करते हैं। और राजेंद्र प्रसाद जी इसके क्या होते हैं, परमानेंट मेंबर होते हैं, परमानेंट अध्यक्ष होते हैं। अगला सवाल, हार्ड डिस्क जो है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल होता है, मतलब वो किस चीज़ को स्टोर करता है, डेटा को स्टोर करता है, बट किस टाइप का डेटा स्टोर करता है, या कौन सी रेंज का, या फिर आप कह लो जैसे हम कहते हैं ना फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन उस तरीके से, तो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी स्टोरेज है क्या? हार्ड डिस्क, ठीक है। अगला सवाल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2020 जनवरी के अंदर किसको डिप्टी गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया था।
आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि चार लोग इसके अंदर डिप्टी गवर्नर के रूप में अपॉइंट किए जाते हैं और अभी रिसेंटली पात्रा जी को ज्वाइन किया कराया गया था इसके अंदर। जब हम आरबीआई बोलते हैं तो आरबीआई के लिए जो एक्ट है वो ये है, और आरबीआई बनाया कब गया था, 1935 के अंदर। कहाँ पे बनाया गया था, कोलकाता के अंदर बनाया गया था, बट इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, मुंबई के अंदर है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो 25th नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। देखो ये सारे सवाल तो वहीं से मिल रहे हैं, सुबह 7 बजे का क्लास पढ़ा है आपने, तो कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। चाहे आप सीरियस देख लो, अभी जो रिजल्ट आया उठा के देख लो, इसके अलावा आप स्टेट पीएससी में बिहार पीएससी देख लो, एज इट इज़ क्वेश्चन पूछे गए थे, एंड बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम क्लियर भी किया है। ठीक है, तो उन बच्चों ने भी पढ़ाई करी है, ऐसा नहीं है कि वो बच्चे आलस किए बैठे हुए हैं कि अरे छुट्टी है। भाई छुट्टी लाइफ में तभी मिलती है जब सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद में भी एक्चुअली छुट्टी मिलती ही नहीं है। रीज़न बीइंग उसके बाद में फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाते हैं, तो ये सब थोड़ा सा से ऊपर उठो यार, है ना। चलिए अच्छा अगला सवाल, 23rd एडिशन ऑफ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसमें पूछा जा रहा है कि इंडिया की जो रैंकिंग रही वो क्या रही, तो इंडिया की रैंकिंग इसमें 4th देखने को आपको मिली। अगला सवाल क्या पूछा गया था, रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ द ओशियन वाटर ट्वाइस अ डे, यानी कि जो पानी में जैसे समुद्र होता है उसमें आपने देखा ये इस तरीके से होता है ना, ये जो लहरें उठती हैं, तो ये किसकी वजह से होता है, ग्रेविटेशन पुल की वजह से होता है, अर्थ मून और सन का। कहा जा रहा है कि इसे हम कहते क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, टाइड इसका करेक्ट आंसर बनेगा, ज्वार भाटे के नाम से इसको जाना जाता है। सुनामी थोड़ी ना है, सुनामी कब होता है, जब कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियनिक प्लेट टकराती है। करंट ये नहीं होता, करंट तो तब फ्लो करता है जब अलग अलग टेम्परेचर होता है, वेव तो नॉर्मली आपको देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन बताओ, सवाल में पूछा जा रहा है वेमेन वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2019 किसने जीता, तो इसका आंसर क्या बनेगा, कुनेरू हम्पी। अभी रिसेंटली अगर आपने बीबीसी के अवार्ड्स देखे हों तो उसके अंदर जो वुमेन्स की कैटेगरी में अवार्ड्स गया है वो किसको गया है, कुनेरू हम्पी को ही दिया गया है, राइट। अगला सवाल बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन फॉर द इमरजेंसी, वो भी फाइनेंशियल वाले, इसका आंसर क्या बनेगा। देखो ये जो है हो नहीं सकता, राइट, ये हो नहीं सकता, ये तो कतई नहीं हो सकता, तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ आर्टिकल नंबर 360। देखो ये जो है ना, ये प्रेसिडेंट रूल है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्या है, प्रेसिडेंट रूल के अंदर आता है। अगला, और हाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक हमारे देश के अंदर लगी भी नहीं है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इसमें से कौन सी ऐसी एजेंसी है जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है, इसका आंसर क्या है, आरबीआई। आरबीआई क्रेडिट थोड़ी ना देती है, आरबीआई तो पूरे इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को रेगुलेट करती है। सवाल आपसे क्रिसिल के ऊपर पूछा जाता है, क्रिसिल कहाँ पर है, मुंबई के अंदर है, और क्रिसिल ने भी अभी 11.2 के आसपास इंडिया की जीडीपी बताई थी, तो एक बार से उनको देख भी लेना, मोडीज ने क्या बताई है, फिच ने क्या बताई है, या स्टैंडर्ड्स एंड पुअर ने क्या बताई है, वर्ल्ड बैंक, ये सब पढ़ा दिया, एक बार से रिविजन जरूर कर लेना। ओके अगला सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है 1 जनवरी 2020 को, तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, इसका आंसर बनेगा क्या, विपिन रावत जी। अभी हाल ही में INS जो एक दिया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड को, जिसका नाम क्या है, वज्र, इसको भी इनके ही द्वारा सौंपा गया है। कहाँ पे बनाया गया था, चेन्नई में बनाया गया था, लार्सन एंड टर्बो ने उसको डेवलप किया था। ये याद रखिएगा, करमवीर सिंह जी कौन है, ये नेवल हेड है, ये कौन है, आर्मी के हेड हैं, और ये कौन हो जाएंगे आपके, एयर चीफ मार्शल हैं। ठीक है, अगला सवाल, कथकली इज अ डांस फॉर्म ऑफ, कथकली जो डांस फॉर्म होता है ये कहाँ पे परफॉर्म करते हैं, ऑब्वियसली बात है केरला में परफॉर्म करते हैं। इसके अंदर कितने डांसेस का कॉम्बिनेशन होता है, तो इसका आंसर है टोटल 5 तरीके के फॉर्म्स होते हैं, जिसमें एक आई मूवमेंट भी होता है। अगला सवाल देखिए, 129th ड्यूरेंट कप जो 2019 में हुआ था, उसका एडिशन कौन सी टीम ने जीता। पहले तो ये समझो ड्यूरेंट कप जो होता है वो कौन से खेल से जुड़ा हुआ होता है, आप मुझे एक कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। देखो डेविस कप नहीं लिखा है ना, डेविस कप तो टेनिस से होता है, ये किससे होता है, फुटबॉल से होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोकुलम केरला, नाम तो सुना ही होगा ना, सचिन की टीम है भाई। अगला सवाल, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम हैज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप अ न्यू इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट ऑफ रीफाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कौन होगा रीफाइनेंस इसमें से कौन करेगा। देखो शब्दों को पकड़ो, समझ रहे हो, पूरा क्वेश्चन कौन पढ़ता है, लेकिन शब्दों को पकड़ो, शब्दों को पकड़ोगे आंसर आ जाएगा। कितनी बार बताया है रीफाइनेंसिंग सिर्फ एक ही करता है, वो कौन है,
दैट इज मुद्रा। और मुद्रा में भी ये ध्यान रखिएगा कि इस बार जो पूरा डेटा आया था उसमें यही बताया गया था कि सबसे ज्यादा जो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है वो महिलाओं को हुआ है इस योजना के अंदर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। बताइए, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, देखिएगा, टुमलापे इज बिलीव टू वन ऑफ द लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्व, पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट है। सवाल आपसे ये कह रहा है कि आपको कौन से स्टेट के अंदर देखने को मिलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा आंध्र प्रदेश के अंदर ही आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अगला सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इंडिया कम अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन के अंदर भारत पूरी तरीके से कब आ जाता है? जब चार्टर एक्ट आता है उसके बाद में आता है, चार्टर एक्ट आते जाते हैं, लेकिन 1857 में जब ये विद्रोह होता है, कौन सा वाला? मंगल पांडे वाला। उसके बाद में 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, भारत सरकार अधिनियम, उसी को हम यहाँ पे क्राउन्स रूल के नाम से भी जानते हैं, और तभी यहाँ पे इंडिया पूरी तरीके से इनके अंडर में आ जाता है। ठीक है, अगला, डैश इज द टर्म यूज फॉर ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक एंड पॉन्ड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बनेगा क्या? पिसी कल्चर। फिशेज के लिए पूछा जाएगा तो पिसी कल्चर सिंपली इसका आंसर बनता है। अगला पूछा जा रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इन्वेंटेड डायनामाइट। अरे डायनामाइट उसी ने बनाया था जिसके नाम पे आज के प्रेजेंट टाइम पे नोबल प्राइजेस दिए जाते हैं, दैट इज एल्फ्रेड नोबल। और इनके ये डायनामाइट बनाने के बाद में इन्होंने ये कहा था कि भैया जो ये फंड वगैरह होता है ना, यहाँ से जो भी पैसा वैसा है वो सारा का पैसा वैसा क्या होगा, वहाँ पे अवार्ड्स वगैरह दिए जाएंगे, इसीलिए नोबल अवार्ड्स दिए जाते हैं। अगला सवाल, बताइए कौन सी ऐसी डिजीज है जो प्रोटोजोआ की वजह से होती है? स्मॉल पॉक्स, एड्स, काला आजार या फिर रेबीज? इसका आंसर होगा काला आजार। मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको ये पढ़ाया था जिसमें मैंने कहा था कि बिहार के अंदर अभी रिसेंटली इसके बहुत सारे सिम्टम्स पाए जा रहे हैं, और ये किसकी वजह से होता है? सैंड फ्लाई की वजह से होता है, इसका नाम भी याद रखिएगा। अगला सवाल, बताइए यूरेनियम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सा है? रिजर्व नहीं पूछा गया है, प्रोडक्शन पूछा गया, तो प्रोडक्शन कहाँ से होता है सबसे ज़्यादा? कजाकिस्तान से होता है। अगर आपसे ये कहा जाता, मान लो ऑप्शन में ये नहीं होता, कनाडा लिखा होता, तो आप आंसर क्या करते? तब आप आंसर कनाडा करके आते। ठीक है, चलिए अगला सवाल, गुरु पर्व ये क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल होता है सिख कम्युनिटी का, एंड अगर देखा जाए तो ये भैया हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सेलिब्रेट कब होता है, ये पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा कार्तिक के महीने में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अगला, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखिए यहाँ पे क्या क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है, राज्यपाल के बारे में दिया है, कोर्ट मार्शल के बारे में लिखा है, राज्यपाल की अगर के पास में मौत की सजा को कम करने का ऐसा कोई राइट है कि नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी है। राज्यपाल के पास में जो मृत्यु दंड होता है उसमें माफी देने की शक्ति होती है, मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे सिर्फ सस्पेंड कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे माफी देने की शक्ति का मतलब ये नहीं है कि उसको चेंज कर देगा, नो, सस्पेंड करेगा, कुछ टाइम के लिए रोकेगा, क्योंकि चेंज करने का जो राइट है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास में? प्रेसिडेंट के पास में होता है अंडर आर्टिकल नंबर 72, एंड ये इनके पास में राइट किस में? 161 के अंदर। अगला सवाल, बताइए इसमें से कौन से ऐसे हैं जिनको नोबेल प्राइज दिया गया है फिजिक्स की कैटेगरी के अंदर फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? इसका आंसर क्या होगा? एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो ये तो देखो अभी मार्च का 2020 का पेपर था, अभी आपको कल भी ऐसे ही पेपर सॉल्व कराया जाएगा, बट प्लीज़ आज के क्लासेस का शेड्यूल मत भूलना, 10 बजे है अभी स्पेशल क्लास, 2 बजे, 5 बजे और 9 बजे, क्योंकि कल संडे को आपका कोई स्पेशल क्लास नहीं रहेगा, सिर्फ सुबह 7 बजे का क्लास कल आपका रहेगा। ठीक है, तो प्लीज़ बी लाइव इन द सेशन, क्योंकि इसमें आपको पूरा जैन टू मार्च करेंट अफेयर्स भी पढ़ाने जा रहे हैं, इसके साथ में आपका जेई के पेपर भी सॉल्व कराए जाएंगे, सारी चीज़ें रहेंगी। बट अगर आपने ये बैच ज्वाइन नहीं किया है और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें जीएस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग आता है, तो प्लीज़ आप अभी भी ज्वाइन कर लो, होली तक इसको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अभी 2-3 दिन तो इसमें क्लासेस है नहीं, तो आपका कुछ छूटेगा नहीं, एक ही क्लास अभी हुआ है। इसमें आपको ये सारे एजुकेटर्स मिलेंगे, है ना, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, मैंने कहा ना बेसिक से सारे एजुकेटर्स मिलेंगे, आप अपने हिसाब से 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, जितने टाइम पीरियड के लिए आपको लगता है कि आपको तैयारी करने में लग जाएगा, आप उस हिसाब से इसको ज्वाइन कर सकते हैं, कोड विल बी प्रति 10। ठीक है, और ये आपका स्कॉलरशिप प्रोग्राम कल है संडे को, मिस मत करना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है और इसकी जानकारी मैंने आपको दे दी है, तो अगर आप मिस कर गए हैं तो प्लीज़ अनअकैडमी गुरु पे जाके एक बार से वीडियो देख लेना, मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन बता दिया कि आज कौन कौन से सेशंस रहने वाले हैं। ऑलराइट, चलिए सेशन को एक बार से लाइक और शेयर करिएगा, अभी मिलते हैं आपसे 7 बजे के सेशन में, टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।